क्या हो रहा है? मेरा तो अटका भी नहीं, गिरती मारा जाती हूं। अभी गिर तो नहीं जाएंगे? सो गाइस, दिस इज द स्टेज जहां पे हम लोग अभी रुक रहे हैं। और ये यहाँ पे आप नॉर्मल बुकिंग करके नहीं आ सकते, या तो आपको बहुत प्रायर बुकिंग लेनी पड़ेगी, या अगर आप यहाँ किसी लोकल को जानते हो वही यहाँ पे करवा सकता है। अभी आ गया हमारे पंजाब की पहला दूध आ चुका है, पहली मील आ चुकी है हमारी। ओए होए 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 भाई, अमृतसर आके बढ़िया छोले वोले मिल रहे हैं, सब मिल रहा है, लेकिन इन्हें क्या खानी मैगी। ये देखो सबको खानी, मैं खा लेती हूँ। अमृतसर में आपका स्वागत है। आपका वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। इसमें भी ये गुलदस्ते हैं फूल के, उठा लो। अरे भैया सीधा। क्या हो रहा है? मेरा तो अटका भी नहीं, गिरती मारा जाती हूं। अभी गिर तो नहीं जाएंगे? बलराज भाई जरा ये तो देख लो। भैया गिरेंगे तो नहीं? नहीं गिरेंगे तो नहीं, ये तो गारंटी है। नहीं गिरेगा भाई, बहुत ही गजब स्टाइल में हमने बैग लगाए हैं, पता नहीं गिरेगा कि नहीं। सो गाइस, दिस इज द स्टेज जहाँ पे हम लोग अभी रुक रहे हैं। और ये यहाँ पे आप नॉर्मल बुकिंग करके नहीं आ सकते, या तो आपको बहुत प्रायर बुकिंग लेनी पड़ेगी, या अगर आप यहाँ किसी लोकल को जानते हो वही यहाँ पे करवा सकता है। तो ये यहाँ पे रुकना अच्छा इसलिए है क्योंकि यहीं पे है जलियांवाला बाग, और यहाँ पे कहीं पे है गोल्डन टेम्पल। तो हम लोग का पूरा वॉकिंग हो जाएगा, और हम लोग को बिल्कुल भी कार से ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं, बहुत थक चुके हैं, अब सीधे अभी देखते हैं रात को क्या प्लान है, वरना फिर कल मिलते हैं, कल से एकदम अमृतसर की जर्नी स्टार्ट कर। तो गाइस, रूम में हम लोग ने चेक इन कर लिया है, और मतलब गुरुद्वारे के नियरेस्ट में होके ये प्रॉपर्टी होना, मतलब ये बहुत ही कोई 5-स्टार प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इससे अच्छी लोकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि बाजू में जलियांवाला बाग है और यहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, और बहुत लोग इस प्रॉपर्टी के लिए मरते हैं। ये चीज़ मैंने नीचे देख लिया कि भाई कितने लोग लाइन में खड़े, उनको मिली नहीं रही, और कुछ कुछ पहचान लगा के यहाँ के लोकल्स के थ्रू हम लोग ने यहाँ की प्रॉपर्टी बुक करा ली। और किसी को अगर कोई यहाँ पे आता है और उसको सारागढ़ी निवास में अगर रुकना है तो वो कमेंट करना, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि यहाँ की बुकिंग कैसे होती है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा लोकल मार्केट घूमने। अंकिता ने बोला कि यहाँ पे दूध वूध मिलता है, ये सब मिलता है, तो हम लोग जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, सब लोग फ्रेश हो रहे हैं अपने अपने रूम में। तन में बलराज एक साथ रुके, मैं और अंकिता एक रूम में, और तन्वी और श्रेय एक रूम में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और फटाक से कुछ दूध वूध पी के आते हैं, और अंकिता कुछ खाना भी इसने कुछ नहीं खाया। अभी से कंटेंट चालू हो चुका है, ये लोग बोल रहे हैं ये कोई सा बहुत ही फेमस चौराहा है। कौन सा चौराहा है तन्मय? यार वो नाम नहीं पता, फोटोज में दिखा, लेकिन लोकेशन पता चल जाएगा ना, तो मैं इंस्टा पे डालूंगी। जैकेट पहना नहीं थी यार। हां ज्यादा हीरो बन रहे थे क्यों तन्मय? ज्यादा हीरो बन रहे थे, ठंड तो है। बॉम्बे वाले लोगों को क्या पता, अरे भोपाल वालों को लग रही है। सो गाइस, यहां इस जगह रुके हुए हम लोग, ये चौराहा है जो मेन चौराहा है अमृतसर का, और ये वो स्ट्रीट है जहाँ पे पूरा खाना पीना मिलता है। अंकिता यहाँ पे लेके जा रही है। अंकिता कहाँ लेके जा रही हो? क्या है यहाँ पे? यहाँ तक मुझे याद है जलियांवाला बाग वाला रास्ता। और हमने नहीं, तो यहाँ पे दूध वूध कहाँ मिलता है तुम बोल रही थी? उस दिन सरोजनी भी अंकिता दी कुत्ते पे चढ़ गई थी। हमारे भोपाल के 6 नंबर का दूध याद कर रहा है तो बलराज बोल रहा है तू पंजाब के दूध के सामने कैसे याद कर सकता है 6 नंबर के दूध। सब पियेंगे भाई यहाँ का दूध, यहाँ का दूध तो तन्वी भी पिएगी। भैया एक तो विदाउट शुगर बना देना बिल्कुल, दो विदाउट शुगर, विदाउट शुगर वाले भी है। हाँ जी, डाइट कॉन्शियस लोग हम लोग। मेरे को तो जैसा देसी स्टाइल में आता ना वैसा, मेरे को भी भैया जैसा। एक्चुअल में हमें 6 पैक मेंटेन करना होता है, तुम्हारे 2 पैक लटक भी रहे हम। जीरो शुगर। ओ हो भाई साहब, ये आ गया हमारे पंजाब की पहला दूध आ चुका है, पहली मील आ चुकी है हमारी। ओए होए होए होए, गरम पकड़ियो एक मिनट। लेकिन आयुष 6 नंबर ज्यादा अच्छा नहीं,
देख कुछ तू सच सच बताना ऑनेस्टी से पापा जी के सुना है ना ये भाई एक्चुअल में भोपाल में जो दूध मिलता है वो बहुत ज्यादा उठाता है उसको इतना खोलाता है कि वो नेक्स्ट लेवल रबड़ी टाइप का फॉर्म हो जाता है। ये थोड़ा कम खोला हुआ है लेकिन हाँ दूध का टेस्ट बहुत है। तुम क्यों सड़ रही हो पंजाब के ना भाई 6 नंबर का थोड़ा अच्छा है भाई। अमृतसर आके बढ़िया छोले वोले मल रहे हैं सब मिल रहा है लेकिन इन्हें क्या खानी मैगी। ये देखो सबको खानी मैं खा लेती हूँ आप नहीं खाओगे? Never ready for Maggie. देसी ब्रो, दिल से देसी, दिल से देसी। सब पी जाओ। मैं टेस्ट कर लूँगा मैगी। ये तो सुबह से ही चाह रहे हैं मैगी खाना। पाजी 3 मैगी बना दो। 2 मैगी बना दो अभी। 2 नॉर्मल मैगी। एक बाइट लाओ। बाहर पता नहीं दूसरों के हाथ की मैगी क्यों अच्छी लगती है। अभी तो हम मेहमान तन में खाएंगे गोलगप्पे। हाँ टिक्की। ये रहा गोल्डन टेम्पल के एंट्री गेट। कल हम लोग यहीं से जाके दर्शन करेंगे भाई। बहुत ये बहुत टेस्टी गोलगप्पे है। इसको स्पाइसी लगे वो मीठा डलवा लेंगे, इसको ना लगे वो खाइएगा। बिल्कुल यार ऐसे मिठाई देना भाई। 3 ही प्लेट रखो। देखो सर जी मिठाई दो इन्होंने डाला दी है। नॉर्मल एक मीठा देना मेरे को। भैया सूजी वाला ठीक है। टेस्टी है ना ये? हाउस दैट? भैया चम्मच दोगे? ये आ गई भल्ला पापड़ी चाट। अरे यार कैसी हो? भाई एक बार खाओ लेकिन।